हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस सिविक्स ऑफ क्लास सिक्स सम वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर वन. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज टू विच कास्ट द समीर एक बिलोंग. स्टूडेंट्स समीर एक यू नो इन द फर्स्ट चैप्टर दिस इज द चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता. तो डाइवर्सिटी इसमें दिखाया गया है. शुरू में दो लड़कों की कहानी है, एक समीर एक है, समीर दो है. जो आप जानते हैं एक समीर है आपको हिंदू, दूसरा मुस्लिम है. एक पेपर बेचता है, दूसरा स्कूल जाता है. दोनों में दोस्ती होती है, दोनों में भिन्नता है. दोनों अलग अलग लैंग्वेज जानते हैं, एक इंग्लिश जानते हैं, एक हिंदी जानते हैं, फिर भी दोस्ती होती है. उसके बाद आप इसमें दोनों में डाइवर्सिटी दिखाया गया है. इसके बाद आपको केरला, जो एक आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है, तो दूसरा आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर, नॉर्थ में है आपका लद्दाख. इस दो के बारे में है. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ है इसमें. तो आज इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. तो लेट्स स्टार्ट. टू विच कास्ट डज समीर एक बिलोंग. समीर एक बिलोंग टू हिंदू एंड समीर दो बिलोंग्स टू मुस्लिम. ध्यान रखिएगा, समीर एक जो था वो हिंदू था, समीर दो जो था वह मुस्लिम था. विच लैंग्वेज डू समीर एक एंड समीर दो स्पीक रेस्पेक्टिवली. स्टूडेंट्स समीर एक जो थे वो मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, वाइल समीर दो स्पीक्स हिंदी. एंड अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू समीर एक एंड समीर डू दो. वो दोनों क्या करता था, समीर एक क्या करता था, समीर दो क्या करता था. स्टूडेंट समीर एक गोज टू स्कूल व्हाइल समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर. ध्यान रखिएगा, समीर एक तो स्कूल जाता था, समीर दो न्यूज़पेपर बेचते थे. अनदर क्वेश्चन फोर, ऑन विच सोर्स डू द पीपल ऑफ लद्दाख डिपेंड फॉर ड्रिंकिंग वाटर. लद्दाख के लोग जो थे वह पानी पीने के लिए किस सोर्स पर आधारित है. स्टूडेंट्स लद्दाख जानते हैं आप, दिस इज द रीजन वेयर ऑलमोस्ट यू नो आइस स्नो जो है वह ज़्यादा है, बर्फ वहाँ भरा रहता है. तो इसलिए लोग वहाँ बर्फ पिघलने से पानी निकाल करके वो पीते थे, यानी कि मेल्टिंग ऑफ स्नो होगा आंसर इसका. विच रीजन स्टेट प्रोड्यूसेस द पश्मीना वूल. स्टूडेंट पश्मीना वूल का नाम आप सुने होंगे, सबसे अच्छी क्वालिटी वूल का माना जाता है, जिसका सॉल का दाम काफ़ी कॉस्टली बिकता है, स्वेटर होता है. तो ये पश्मीना जो है वह किस रीजन में, किस स्टेट में ज़्यादा होता है. स्टूडेंट दैट इज़ इन लद्दाख. और ये बनता किससे है, तो वहाँ एक प्रकार के गोट है जिसके आपको बाल से ऊल से ये कश्मीर में बनता है स्टूडेंट. सो वेयर आर पश्मीना सोल्स स्टूडेंट इन कश्मीर. स्टूडेंट आंसर होगा कश्मीर, यानी कि क्वेश्चन अगर हो वेयर आर द पश्मीना सोल्स विबेन, आंसर होगा इन कश्मीर. व्हाट इज डोजेस DZOS क्या है स्टूडेंट, दैट इज याक काउज. ये एक प्रकार का जंगली जो गाय होता है, बैल होता है उस तरह, तो ये याक काउज है. नेम द स्टेट लोकेटेड इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया पर कौन सा स्टेट है, दैट इज केरला. आप देखेंगे केरला जो है वह साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है, आपको अरेबियन सी से बिल्कुल करीब सटा हुआ. अनदर क्वेश्चन, हु रोट द ट्रैवलॉग इन विच द राइटर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम. मुस्लिम के जीवन के बारे में किसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है. ट्रैवलॉग्स होता है जो यात्रा करते हैं, तो उसके बारे में जो बातें रहती है, जो जिस चीज़ में लिखते हैं उसको हम ट्रैवलॉग्स कहते हैं. तो वो किसने लिखा है, वह है आपको आई बी एन बटूटा जो थे वह लिखे थे मुस्लिम की लाइफ के बारे में. अनदर क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. भारत में क्रिश्चियनिटी लाने का श्रेय किनको जाता है, किनके बारे में कहा जाता है. स्टूडेंट्स द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 ईयर्स अगो एंड ही इज कंसीडर्ड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया. अनदर क्वेश्चन, इन व्हाट मैनर
आर केरला एंड लद्दाख क्वाइट डिफरेंट, किस तरह केरला और लद्दाख अलग है। स्टूडेंट ज्योग्राफिकल मैनर अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल अलग है। एक तो आपको बिल्कुल नॉर्थ रीजन में है, दूसरा आपको साउथ रीजन में है। एक का बिल्कुल ठंडा है, वहाँ बर्फ से ढका रहता है, तो दूसरे का इक्वेबल टेम्परेचर रहता है, नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जबकि दूसरे लद्दाख तो है वह सालों भर वहाँ ठंड पड़ती है। तो ज्योग्राफिकल हम कहेंगे फीचर आपके कारण वह डिफरेंट है। विच इज द मेजर प्रोडक्ट ग्रोन इन केरला, केरला में सबसे ज़्यादा क्या होता है। स्टूडेंट केरला इज फेमस फॉर यू नो द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेज। स्पाइसेज वहाँ मसाले बहुत होते हैं तरह तरह, जैसे मान लीजिए क्लोव हुआ, कार्डेमम हुआ, ये उसके अलावा नारियल भी वहाँ खूब होता है और वहाँ चावल भी उपजाए जाते हैं। स्टूडेंट समझे। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज यू नो चीना चट्टी, चीना चट्टी क्या है। चीना चट्टी के नाम से आपको जैसा लगता है कि चाइना से रिलेटेड हो, चलते हैं देखते हैं चीना चट्टी है क्या। स्टूडेंट चीना चट्टी जो है वह द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग, जो बर्तन हम फ्राई करने के लिए, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा लोग खाता है, मछली चावल मीट वगैरह खाते हैं, तो मछलियाँ या बाकी चीज़ों को फ्राई करने के लिए जो हम बर्तन यूज करते हैं उसको वहाँ चीना चट्टी के नाम से जानते हैं। वाइल द फिशिंग नेट जो होता है वहाँ मछली मारने का जो नेट होता है, जाल जिसे हम कहते हैं, उसे वहाँ आपको चीना वाला कहते हैं। चीना वाला बिल्कुल वो इसलिए कहते हैं उसको चीना वाला कि वो बिल्कुल उसी तरह का जाल होता है जो चाइना में यूज किया जाता है, तो इसलिए उसे चीना वाला भी हम कहते हैं। अनदर क्वेश्चन 14, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज जालिया वाला बाग सिचुएटेड, जालिया वाला बाग भारत के किस शहर में है। स्टूडेंट यू नो एवरीबडी दैट जालिया वाला बाग इज इन, बोलिए कहाँ है। हाँ अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। तो अमृतसर शहर में जालिया वाला बाग है, जहाँ आपको ध्यान होगा जनरल डायर के ऑर्डर से बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार दिया गया था। अब है हु रोट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखा था। स्टूडेंट जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। और हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री। स्टूडेंट ये भी जो स्लोगन जो दिया उन्होंने वह जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया। एंड हु कंपोज आवर नेशनल एंथम, हमारे नेशनल एंथम जो जनगण मन अधिनायक जय है उसको किसने कंपोज किया था। यू नो हाँ ही वाज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें हम गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम यू नो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से यू ऑल टू वॉच वीडियो एंड राइट ऑल द क्वेश्चंस इन योर फेयर कॉपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।